हेलो एवरीवन, आज मैं लूचे रिएजेंट बताने जा रहा हूँ। ये क्या होता है? ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और सेरिक क्लोराइड, इसका कम्बिनेशन है। ये हमारा कैसा है, कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट है। अगर किसी कंपाउंड में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है तो ये कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। यदि इसमें अगर मान लीजिए इस्टर भी अगर है प्रेजेंट, इस्टर को ये कन्वर्ट नहीं करता है, ऐसा छोड़ देता है, इस्टर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग को दिमाग में रखना है, इस्टर को यह चेंज नहीं करता है, कीटोन और एल्डिहाइड में केवल कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इसके साथ और भी होता है, 1-2 एडिशन होता है, तो ये हम लोग को देखना है कि कहाँ पे ये होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, यहाँ CH3CO CH2CH2COCOH, यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ कीटोन ग्रुप है, तो ये केवल हमें किसका, यहाँ पे हमारा जो CO ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। तो देखिए ये यहाँ कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, इस तरह से एल्डिहाइड एस सच रह जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, एल्डिहाइड में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ CO है, उसके जस्ट बाद हमारा डबल बॉन्ड है। तो इस केस में हमारा 1-2 एडिशन होता है, 1-4 एडिशन नहीं होकर 1-2। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1-2, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे। तो इस तरह से, और यहाँ एल्डिहाइड है, सबसे पहले तो चेक करना है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन रिड्यूस होगा, तो एल्डिहाइड को नहीं कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, तो देखते हैं एल्डिहाइड एज सच रह जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड भी इसी तरह रहेगा, और ये जो है हमारा हाइड्रोजन का 1-2 एडिशन होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा OH। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही ध्यान रखना है, कीटोन को प्रीफर करेगा, दूसरा 1-2 एडिशन होगा, अगर इस्टर प्रेजेंट है तो इस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। अब इसमें देखिए यहाँ भी CO ग्रुप है, यहाँ भी CO, लेकिन इसके बगल में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर इस तरह का कंडीशन है तो हमें देखना है कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, उसको ये रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ यहाँ गया नेगेटिव, तो ये यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और इस केस में क्या रहेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो अगर देखेंगे तो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ है, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी यहाँ पर डिक्रीज कर गया इसके कंपेयर में। तो इस केस में हमारा जो है इसका रिडक्शन होगा, और वो भी रिडक्शन क्या होगा, 1-2 पोजीशन पे ही हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो इस तरह से हमारे बन जाएंगे, ये यहाँ OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड एज सच रहेगा, और यहाँ पे और ये कीटोन इसी तरह से रह जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड देखते हैं प्रॉब्लम, ये भी सेम इसी तरह सिमिलर है, यहाँ CO बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CO अकेले है, तो इस केस में इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH में, डबल बॉन्ड एज सच रह जाएगा और ये इसी तरह रह जाएंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी हमारा लूची रिएजेंट दिया हुआ है इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा सेरिक क्लोराइड। इस केस में क्या होगा, यहाँ देखिए तीन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो इस्टर को तो रिड्यूस नहीं करेगा, एज सच रह जाएगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन में देखेंगे तो हमको इसमें कीटोन को रिड्यूस कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, OH में, और एल्डिहाइड एज सच रह जाएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, इससे क्वेश्चंस अक्सर रहते हैं। ओके, थैंक यू।